हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू तमिल ट्यूटोरियल्स वर्ल्ड नम्बर ट्यूटोरियल पाकपोना विर्चुअल पाक्स पता पाकपो विर्चुअल पाक्सन नम्बर विर्चुअल पाक्स साफ्टवेर नम्बर इन ओएस यूस पड़ोस नम्बर विर्चुअल पाक्स अमो विर्चुअल मीन नमक वो रियला मारे बट आना रियला नम्बर विर्चुअल अमो पर डेटा बेस कीवेड वो अधिकमें यूस पड़ी विर्चुअल अभी साफ्टवेर लिंक इन डिस्क्रिप्शन ना कुछ लिंक नहीं क्लिक पड़ी साफ्टवे नहीं फ्रीय डोमें पाती फर्स्ट विर्चुअल पाक्स डाट आर पड़ी होम पेजे को डाउनलोड बटन नहीं क्लिक पड़ी डोमें लेटस्टा पाती विर्चुअल पाक्स 5.1 को ओल्डर वर्षन वेणूना पाती डनलोड्स और मेनु को लिंक क्लिक पड़ी नमक वो इन पेज ओपन आगे लिनक्स मैक प्लेटफॉर्म को नहीं प्लेटफॉर्म यूस पड़ी क्लिक पड़ी नहीं डाउन पड़ी डाउनलोड पड़क सेटअप नहीं क्लिक पड़ी फुल इंस्टॉल पड़ा रोम ईसिया इंस्टॉल पड़ो इंस्टॉल पड़क नम्बर वो एपी ओएस इंस्टॉल पड़ा पी पाँच ओएस इंस्टॉल पड़े रे मेथड्स फर्स्ट पाती ISO फाइल वे इंस्टॉल पड़े वो नार्मला इंस्टॉल पड़े मारे नेक्स्ट पाती विर्चुअल पाक्स इमेज को VDA और एक्सटेंशन मुड़ी अनिया रोमी वो वॉइस मारे नम्बर इंस्टॉल पड़ने तेवल जस्ट नहीं ओपन पड़ा आटोमेटिका वॉइस इंस्टॉल पड़ी प्री डिफाइंडा इंस्टॉल पड़े डायरेक्टा यूस पड़े अंत इमेज फाइल्स वो हेल्प पड़ोस पाती वो विर्चुअल पाक्स ना चलें नेक्स्ट पाती VMware सो VMware वर्क स्टेशन सेंदा अद्क एक्सटेंशन वो चेंजा मतबाई नहीं ISO इमेज वॉइस नहीं बोत रेडलें यूस पड़ी मुझे इं नम्बर विर्चुअल पाक्स वो एपी यूस पड़ा पी पाक पाती विर्चुअल पाक्स ना वे पाती ना वो रे वॉइस इंस्टॉल पड़ी वे फर्स्ट पाती विंडोस एक्सपी सेकंड वन पाती लिनक्स फर्स्ट ना वो रन पड़ी कामीचर अदक वॉइस एपी इंस्टॉल पड़ा पी पाक फर्स्ट नहीं वॉइस सेलेक्ट पड़े पाती स्टार्ट को प्रेस पड़ी नमक वो उड़े वॉइस लोड आरमचर इं इन वो स्विच अभी बटने प्स पड़े पाती नमक वो नार्मला और वॉइस वो मेरी बूट आगो अदार बूट आग आरमचर इतना विंडो सिक्स पी लोग वो नमक वो एंटर आो नहीं वो विर्चुअल पाक्स नेक्स्ट वो VMware वर्क स्टेशन रेडियम यूस पड़ी नहीं फैल शेरी पड़ी के मुझे लोकल कंप्यूटर सो इत वो टयते वो इनमें सेव पड़ी तरह ऐसा पाती सिस्टम नहीं डुअल पुट पड़ी और वॉइसल इन वॉइस नम्बर वो कंफर्मा पीसी वो रीस्टार्ट पड़ो यूस पड़ी उ सिस्ट वो नहीं रीस्टार्ट पड़ तेव डेरेक्टा वॉइस वो रन पड़ आरमचर पाती नमक वो वेलकम स्क्रीन वो एंटर आगे वो नार्मल वॉइस वो मारे यूस पड़ी अदार यूस पड़ी मुझे इतनी नमक वो डेस्कटापी इतनी वो स्टार्ट में वर्क पड़ी मुझे स्टार्ट पड़े मई कंप्यूटर अदमारी कंट्रोल पेनल वो एतना वॉइस वाला नहीं इंस्टॉल पड़ी वे मुझे लिनक्स ओपन नहीं इंस्टॉल पड़ी वे सडन पड़े पर क्लोज पड़ी सडन पड़ी मुझे पाती अब नहीं स्टार्ट नहीं सडन पड़ी मुझे टर्न आफ कंप्यूटर को टर्न आफ प्रेस पड़े नमक वो सडन आग आरमचर पाती लागिंग आफ वह इंप पाकपो नम्बर वॉइस वो नम्बर इतने इंपोर्ट पड़े पी ना चलतर पाती न्यू अभी बटन को नहीं प्रेस पड़ी नमक वो इन विंडो ओपन आगे वो वॉइस नहीं पाती ना वो ना वो गणेशन को गणेशन को वॉइस टाइप पाती माइक्रोसॉफ्ट लिनक्स वो वॉइस टाइपों को इन वो विंडोस ना सेलेक्ट पड़ी सेलेक्ट पड़े वो वर्षन को नहीं लेटेस्ट वर्षन यूस पड़ी बाटम पाती विंडोस 10 वाकों को नहीं ओल्डर वर्षन 8.1 इन वो विंडोस एक्सपी ना सेलेक्ट पड़ी सेलेक्ट पड़े नेक्स्ट कुछ वो रेमो सईज वो एंतमो नहीं सेलेक्ट पड़ी के 1 GB ना सेलेक्ट पड़ी के सेलेक्ट पे ना वो नेक्स्ट प्रेस पड़े प्रेस पड़े पाती मूँ आपशन डू नाट आड ए विर्चुअल हार्ड डिस्क फाइल अभी आड पड़ा नेक्स्ट पाती ना क्रियेट पड़वा मारे ना वो आलरे ना वो हार्ड डिस्क फाइल वे ना सेलेक्ट पड़ी करें सेलेक्ट पड़े पाती फोल्डर ईकान को नहीं प्रेस पड़ी वो आड पड़ी के मुझे पाती ना वो वे सेलेक्ट पड़े ना ओपन को नमक वो फिट आना वो क्रियेट अभी प्रेस पड़े
கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கணேஷ் அப்படிங்கிற நேம்ல வந்து வாய்ஸ் கிரியேட் ஆயிருச்சு. இப்போ நான் திரும்ப ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணனா நமக்கு வந்து வாய்ஸ் வந்து பூட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அவ்வளோதான். இந்த விண்டோவில் ரைட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன வாய்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வரும். ஜென்ரல், சிஸ்டம், டிஸ்பிளே. ஸோ அதோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் வந்து இதில் கலெக்ட் பண்ணி பார்த்துக்க முடியும். ஸ்டோரேஜ்லேருந்து ஆடியோ டிவைசஸ் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து என்னென்ன கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அதோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் இதில் வந்து அப்பியர் ஆகும். இந்த மெனுக்குள்ள நீங்கள் என்ட்ரு ஆகணும்னா அதில் நீங்கள் பக்கத்தில் கொண்டு போகும்போதே ப்ளூ கலரில் ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கும். அதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி அதில் உள்ள இருக்க போய் நீங்கள் வந்து அசஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இதில் வந்து சிஸ்டத்தோட கான்ஃபிகரேஷன் ஏதாவது நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண விரும்புறீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் எல்லாமே செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து மாடிஃபை பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இந்த டியூட்டோரியல் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். மறந்துடாமல் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெல் சிம்பிள் வரும், அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் ஒவ்வொரு டைமும் அப்டேட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஐக்கான் வந்துடும். ஸோ நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து ஃப்ரீயாக பார்த்துக்க முடியும்.